हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सेलेंस कोचिंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फजांस रूल। नेक्स्ट करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। देखो, मैं आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, मैं ओनली उसी चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ। फिर भी कुछ लेफ्ट हो जाता है, आपको लगता है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस चीज़ को डिस्कस कर दूँगी। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे। थोड़ा फास्टली करेंगे ताकि टाइम पे सारा सिलेबस कवर हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेनली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिड से ही पता चल रहा है किसी, मतलब ऑर्बिटल्स को मिला के आपको क्या मिल रही है, न्यू ऑर्बिटल्स मिल रही है यहाँ पे। क्लियर है? हाइब्रिड है वहाँ पे, यानी कि मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो कुछ न्यू आपको मिल रहा है। तो क्या होता है इसमें? ऑर्बिटल्स, ये एक तरह से मान लीजिए डेफिनेशन भी है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड गिव न्यू ऑर्बिटल्स। Of exactly same energy, ठीक है? कोई भी दो orbital होंगी, चाहे s हो या p हो या p हो या d हो, ठीक है, कोई भी दो orbitals होंगी जिनकी energy almost same होगी। ऐसा नहीं है एक की कम और एक की बहुत ज़्यादा high एनर्जी होगी तो वो इंटरमिक्स नहीं होंगे। ऑलमोस्ट एनर्जी क्या हो, उनकी सेम हो, वो एक दूसरे से मिलेंगी, इंटरमिक्स होंगी और आपको एक न्यू ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी जिसकी एनर्जी पहली दो ऑर्बिटल्स के एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है और किसकी क्या ज्योमेट्री निकलती है। आपको जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एनसीईआरटी बुक में आप देखना, पूरी एक टेबल दोगे, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ। उसमें पूरी एक टेबल दी है कि किस ऑर्बिटल्स की कैसी ज्योमेट्री आएगी, तो आप उसको अच्छे से चाहे तो रट लो, और वैसे तो याद हो जाता है ज्योमेट्री बनाते ही बनाते, ठीक है। चलते हैं, जैसे कि एक एस ऑर्बिटल, ठीक है, इस टाइप से ही होते हैं ना ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इसी टाइप से होते हैं, और एक पी ऑर्बिटल। दोनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा आपको, ये दोनों एक एक थी तो यहाँ पे मिलेंगी दो ऑर्बिटल, मिक्स होके दो ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी जो कि हो जाएगी आपकी एस पी। और एस पी का आपका जो ज्योमेट्री होता है, इनको नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है, एसपी की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर, सीधी सीधी होती है, लीनियर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, बी एफ टू बी ई सी एल टू, बी एफ टू का आप देखो कैसा होता है इसका ज्योमेट्री, इस टाइप से होता है इसका, तो ये लीनियर है, सीधा है ना एकदम इस टाइप से, तो इसमें कैसी ज्योमेट्री पॉसिबल है, लीनियर है। बी ई सी एल टू का देख लो आप, क्लोरीन क्लोरीन इसी टाइप का बनता है, तो ये भी कैसा है, लीनियर है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, चाहे तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकलवा सकते हैं जिसका एक फॉर्मूला है, अभी मैं बताऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन निकलवा के उसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, चाहे तो आपको कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, फिर आपको उसमें पूरी उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी ज्योमेट्री भी बतानी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? तो विद एग्जांपल भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ के।
अभी तो एस और एक पी था, अब मान लो कि एक एस ऑर्बिटल है, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं दो ऑर्बिटल ऑफ पी से, ठीक है। पी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, दो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या देगा आपको, इंटरमिक्स होके इसमें बन जाएंगे आपके तीन ऑर्बिटल्स, एक एस दो पी, तो क्या मिल जाएगा आपको sp2, एक s दो p के ऑर्बिटल्स। क्लियर है इतनी बात। अब से इसका भी क्या होगा sp2 और इसका भी क्या होगा sp2। तो sp2 जहां आता है हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, ट्रायंगुलर प्लेनर, समथिंग इस टाइप का इसका होता है ज्योमेट्री, इस टाइप की ज्योमेट्री बनी होती है जिसमें एंगल होता है 120 डिग्री। ये मैं आपको जस्ट एक समझा रही हूँ, लेकिन आप इसको एनसीईआरटी से देखना, आप पूरी टेबल याद कर लेना कि sp2 में ये है, sp3 में ये है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे करवा रही हूँ, चाहे तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। sp2 हो गया, इसी तरह एक s ऑर्बिटल और कितने हो जाएंगे, तीन ऑर्बिटल पी के, तो ये इंटरमिक्स हो जाएगा और आपको किस टाइप से मिल जाएगा, चार ऑर्बिटल मिल जाएंगे इसमें sp3, क्योंकि एक s और तीन p के ऑर्बिटल होते हैं इसलिए sp3। इसका भी sp3 हो जाएगा, sp3 एंड sp3। तो sp3 का कैसे होता है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि BF3 का स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है, इस टाइप का होता है, जो कि आपका हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल की तरह बन रहा है ना ये ऐसे कुछ, ठीक है। आपको देख के भी पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर प्लेनर है या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ज्योमेट्री देख के पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका sp3। sp3 का आपका ज्योमेट्री कैसा बनता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से आपका कुछ होता है। एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि ये 3D में होता है, तो आप इसको देखना चाहें तो आप चाहे गूगल सर्च करिए या बुक में एग्जैक्टली डायग्राम इसके बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एंगल जो होता है sp3 में वो 109 डिग्री 28 इंच ऐसा होता है, ठीक है। इन एंगल्स को भी याद रख लेना कई कुछ कुछ के, जैसे sp3 sp2, इनके एंगल्स याद रख लेना, जनरली काम आ जाता है ये। तो sp3 में किस टाइप का ज्योमेट्री होता है आपका, टेट्राहेड्रल, और इस टाइप की ज्योमेट्री होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आपका CH4, इसी टाइप का होता है CH4, ठीक है। तो ये आपका होता है टेट्राहेड्रल। अब आपका हो गया फोर्थ sp3d, इसकी ज्योमेट्री आप देख लेंगे, ठीक है, इसमें होता है आपका ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसका ज्योमेट्री आप 3D में बुक में देख सकते हैं। फिफ्थ होता है आपका sp3d2, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 से याद रख सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टा देख के 8 मत समझ लेना, यहाँ पे 6 की कंडीशन में क्या है, ऑक्टा यूज़ हुआ है, क्लियर है।
तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, 5 ऑर्बिटल्स है। तो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, PCl5 ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, SF6 P3D2, और एक होता है आपका SP3D3, इसमें होगा आपका पेंटागोनल। अब पेंटागोनल पेंटा से ये मत लगा लेना कि 5 है, नहीं, यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स है, 3, 3, 6 और 1, 7 ऑर्बिटल पे क्या है आपका, पेंटागोनल। अब हम करते हैं कि एक्चुअल में हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। अभी तक तो आपको ज्योमेट्री समझा दी थोड़ा सा कि इस टाइप की ज्योमेट्री बनती है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, Z=1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। आप पूरा लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होता है उस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखना है, ठीक है, पूरे पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड कर देंगे, नेगेटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये समझ ही आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, चाहे दो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसको ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। क्लियर। प्लस मोनोवैलेंट एटम, कोई अगर मोनोवैलेंट एटम है तो उसको भी ऐड कर देंगे। और मोनोवैलेंट एटम कौन से होंगे आपके, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये आपके मोनोवैलेंट एटम होते हैं। मोनो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस और गेन करते हैं, ठीक है, इनकी वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी क्या होती है, 1, इसलिए ये है मोनोवैलेंट एटम। अगर ये आ रहा है तो उसको भी ऐड कर देना है। क्लियर है। एक चीज़ और नोट कर लो, इन शॉर्ट जेड की वैल्यू अगर 2 आए तो वो होगा आपका SP, वो हो जाएगा आपका लीनियर, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, जैसे आप याद कर लो तो बेहतर है पेपर में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि आप एक एक ज्योमेट्री बना के देखेंगे। जेड की वैल्यू अगर 3 आती है तो होता है आपका SP2, दैट इज आपका ट्राइंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट अगर 4 आता है तो होता है आपका SP3, दैट इज टेट्राहेड्रल। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका टेट्राहेड्रल पे ही पूछ लिया जाता है। 5 आता है तो SP3D, जो कि होगा आपका 3-1-4-5। 5 पे कौन सा होगा आपका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंड 6 पे होगा आपका SP3D2, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यहीं तक पूछे जाते हैं, पेंटागोनल के नहीं पूछे जाते, ठीक है। 6 तक पूछा जाता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये 5 आप याद कर लेंगे, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ठीक है, इससे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं पूछा गया है। चलिए करते हैं आप कुछ क्वेश्चन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी निकालनी है और ज्योमेट्री आपको बताना है। चलिए ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जिनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और क्या निकालना है आपको, इनकी ज्योमेट्री, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जेड निकालेंगे। तो आपको जेड निकालना है, फॉर्मूला क्या था, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन, जो सबसे कम नंबर में होता है वही आपका सेंट्रल एटम होता है, हाइड्रोजन तो आपके कॉर्नर एटम हो जाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी आपकी, 5, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 and 5, 5 आपके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 5। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उसको तो हम नहीं देखेंगे। प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम,
मोनोवेलेंट एटम कौन से थे, हाइड्रोजन था ना उसमें, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, तो कितने हैं, तीन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, थ्री हैं, तो तीन कर देंगे यहाँ पे हम। अब ये हो गया आपका 1/2, 5+3 = 8 एंड दैट इज़ 4। फोर जेड की वैल्यू 4 आती है तो कौन सा होता है आपका sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल। क्लियर है, बहुत इजी है, बस यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ आता ही नहीं आपके एग्ज़ाम में, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट करते हैं PCl5। नाउ जेड कैलकुलेट करेंगे 1/2। फास्फोरस का भी आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, फास्फोरस 15 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं आपके, 5 हैं, तो 5 को ऐड करेंगे। आई थिंक बहुत बच्चों को आता भी होगा, बहुत इजी भी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चलिए 1/2 और ये क्या हो जाएगा 10, 2, 5 + 10, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी sp3d, यही होगा हाइब्रिडाइजेशन, आपकी sp3d है और ज्योमेट्री क्या है आपकी, क्या हो जाएगा 3, 1, 4 and 1 8 है ना, तो ये होगा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल तो 6 पे होता है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट करते हैं CO3 2- का, इसका जेड कैलकुलेट करेंगे 1/2। कार्बन की कितनी होती है वैलेंसी 4, ये तो सबको रट्टा होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी इज़ 4। ऑक्सीजन इज योर मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है, नहीं है, ऑक्सीजन आपका मोनोवेलेंट नहीं होता है। अब मोनोवेलेंट तो कुछ नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखना है तो 2- है, यानी कि +2 हो जाएगा, 2 पॉजिटिव होता तो माइनस हो जाता, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो 1/2, 4, 2, 6, ये हो गया आपका 3, यानी कि हो गया आपका sp2 एंड sp2 की होती है आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है, नो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़िनॉन वाला केस आपको आ जाता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ज़िनॉन का आपको पूछा गया था और एक जगह H2O का पूछा गया था, ठीक है, इनके हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी और एक जगह अमोनिया का भी पूछा गया, क्वेश्चन हर बार आया है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं जेड, ज़िनॉन की कितनी होती है वैलेंसी 8, याद कर लो, रट लो इसको कि ज़िनॉन की होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं, ऑक्सीजन आपका मोनोवेलेंट नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा, फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट है तो कितने हैं फ्लोरीन 2 हैं, 2 कर दिया, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, छोड़ दो, 1/2, 8+2 = 10, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका sp3d, कौन सा होगा 3, 1, 4 and 5, ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है, इजी है, नेक्स्ट करेंगे जल्दी से, जेड 1/2, ज़िनॉन का अगेन 8 हो जाएगा, फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट है +4 हो जाएगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, 1/2, 8+4 आपका क्या होगा 12, कैंसिल 6, यानी कि sp3d2, ये हो गया 3, 2, 5 और 1, 6, 6 आ गई ना जेड की वैल्यू 6 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये ऑक्टा हेड्रल। नेक्स्ट है वाटर का, ठीक है, पेपर में पूछा गया था ये, ऑलमोस्ट बच्चों को तो इसकी ज्योमेट्री वैसे ही याद होगी, ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं 1/2। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एक है ये, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 6 प्लस हाइड्रोजन आपका मोनोवेलेंट +2, 1/2, 6 to 8,
यानी कि 4, जेड की वैल्यू 4 यानी कि sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। क्लियर है? ये तो ऑलमोस्ट बच्चों को वैसे ही याद रहता है कि ज्योमेट्री H2O की टेट्राहेड्रल है। क्लियर है? बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको कुछ याद नहीं रखना। इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया है इतनी सारी ज्योमेट्री, आपको थोड़ा सा समझाया कि किस टाइप का होता है, तो कुछ भी याद नहीं रखना, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आप मेनली आप इसका फॉर्मूला याद रखो बस, और जेड की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, 3 आती है, उसके बेस पे उसकी ज्योमेट्री याद कर लो, चाहे रट लो, जो भी समझो, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है वैसे, वो आपको देख के ही पता चल जाता है 2 है, 3 है, नाम से ही है, 3 है तो ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो इस टाइप से हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं पूछते हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ ज्योमेट्री पूछ लेते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे फिर भी बताएंगे, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी और भी ज़्यादा क्लैरिटी से। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ आगे बहुत ज़्यादा है, वैलेंस शैल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन करेंगे, बॉन्ड एंगल करेंगे, तो वहाँ बहुत काम आएगा ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो स्किप नहीं करना, नहीं समझ आए तो फिर से बताना मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।